जय माता दी। दोस्तों, इंडिया जिम्बाब्वे चौथा T20, तीन T20 हो गए, दो भारत ने जीत लिए हैं, एक जीता है जिम्बाब्वे ने, ये आपको भली भांति पता है। अब कहानी क्या चली थी? कहानी चली थी जिम्बाब्वे की जीत से। पहले मैच में, लो स्कोरिंग मैच में भारत हार गया था। दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा ने अकेले उतने रन बना दिए जितने पहले मैच में भारत की पूरी टीम ने बनाए थे, और वो भी 24 घंटे के अंदर। आया मैच तीसरा, तो तीसरे मैच में भारत ने थोड़े परिवर्तन किए, थोड़े चेंजेस किए, और चेंजेस के बाद कहानी क्या हुई कि भारत फिर भी जीता, लेकिन अभिषेक शर्मा को चार पे डाल दिया। अब उसके बाद कहानियां शुरू हो गई कि यार वो सुमन गिल जो है ना, वो कैप्टनसी की वजह से, चूंकि वो कैप्टन है तो ओपनिंग कर रहे हैं। देखो भाई, गांव गली का क्रिकेट तो है नहीं, है ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। सुमन गिल ने ओपनिंग इसलिए की क्योंकि उनके रन नहीं बन रहे थे, और जिम्बाब्वे का जो टूर है, यहाँ भारत का जाने का जो मकसद है सिर्फ एक है, वो ये कि जो खिलाड़ी बेंच पे हैं, जो भारत के सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर हैं, उनको भरपूर खेलने का मौका दिया जाए, खेल में सुधार का मौका दिया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए टीम स्क्वाड डिक्लेयर हुआ था। और गिल चूंकि फ्यूचर कैप्टन जिनको हम कह रहे हैं, तो उनको कप्तान बनाया गया। अब आगे क्या बात हुई कि गिल ने उस मैच में रन भी बनाए, ऋतुराज का बल्ला लगातार बोला है, जायसवाल ने थोड़ा ठीक ठीक किया, और आगे तक बैटिंग आई नहीं। बॉलर्स भारत के खलील को छोड़ के सबका टूर अच्छा जा रहा है। खलील एकमात्र ऐसे प्लेयर रहे अभी तक जिनको विकेट्स नहीं मिले, तो विकेट्स नहीं मिलने का मतलब है कि उनकी जगह पक्की है इस मैच में। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टूर्स का मकसद ही ये होता है कि भाई जिस प्लेयर को मौका प्रॉपर मिलने के बावजूद परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको तब तक मौका दे दो जब तक वो परफॉर्म ना कर दे। और अगर परफॉर्म करने से क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फ्यूचर में एसेट बन पाएगा। तो ये कहानी है इस टूर की, इसी को ध्यान में रखते हुए ये मैच भी होने जा रहा है, और ऐसी ही टीम खेलेंगी। मैच वहीं हरारे में है, तो पिच के बारे में ना बताऊं तो बेहतर, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करेगा तो सिमट जाएगा, वही 120 के आसपास चेज करना यहाँ मुश्किल रहता है। भारत चेज करेगा तो भारत के लिए भी थोड़ी मुश्किलात रहेंगे, लेकिन अगर भारत पहले बैटिंग करेगा तो 180 बना पाएगा, और उसके बाद जिम्बाब्वे से चेज नहीं होगा। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। भारत का जो प्लेइंग 11 है, उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी है कि अभी तक जो भारत का स्क्वाड गया है, 15 का ओरिजिनल स्क्वाड गया, फिर उसके बाद रिजर्व प्लेयर गए, क्योंकि जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी उसमें थे कुछ प्लेयर, तो पहुंच नहीं पाए थे टाइम से, संजू सैमसन वगैरह, वो रिजर्व प्लेयर वापस आ गए। अब जो 15 का ओरिजिनल स्क्वाड था वही बाकी है, तो उसमें एक प्लेयर है तुषार देशपांडे ऐसे जिनको मौका नहीं मिला है। तो मैं ये सेंस कर रहा हूँ कि इस मैच में आवेश खान की जगह तुषार देशपांडे को खिलाया जाएगा, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा जैसा मुझे लग रहा है, या फिर दोनों पेसर तुषार देशपांडे और आपका खलील अहमद को बिठा के मुकेश और तुषार को खिलाया जाएगा। मैं गलत बोल गया, नाम क्या था उसका, दोनों पेसर जो है आपके खलील अहमद और आवेश खान, दोनों को बिठा के तुषार देशपांडे और मुकेश कुमार को खिलाया जाएगा, कुछ इस तरीके की कहानी है। जरूरत पड़ेगी तो शिवम दुबे दो ओवर लेकर आएंगे तीसरे पेसर के तौर पर, और भारत तीन स्पिनर्स के साथ भी खेल ही रहा है, तो ढाई पेसर है भारत के पास और ढाई स्पिनर है, पूरे पांच गेंदबाज इस तरीके से हो जाते हैं। ढाई ढाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभिषेक दो डालेंगे शिवम दुबे, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हो सकता है, संजू सैमसन प्रमोट करते हुए होते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि उनको गेम टाइम ज्यादा नहीं मिला है। ऋतुराज गायकवाड़ के रन बन गए तो हो सकता है उनको थोड़ा पीछे रखें। रिंकू को एक मैच में अच्छा मौका मिल गया है तो उनको लेके ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है। जायसवाल फिर से ओपनिंग करेंगे ये पक्का है, लेकिन उनके साथ गिल या अभिषेक कौन करेगा ये फिर से एक बड़ा सवाल है। खैर, जिम्बाब्वे की तरफ जाओ तो उसके प्लेइंग 11 में बहुत बदलाव होने की संभावना है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और क्यों नहीं है, क्योंकि 15 का जो स्क्वाड है ना, उसमें जो प्लेयर खेल सकते हैं उनको इन्होंने खिला लिया है, बॉलिंग के ऑप्शंस कुछ बचे हैं जिनको मौका मिलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो लगभग सेम स्क्वाड के साथ, सेम 11 के साथ जिम्बाब्वे भी उतरेगा। चलते हैं फैंटेसी की तरफ। मैं हमेशा कहता हूँ मैं विजन 11 पे खेलता हूँ, आप भी खेलिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके जुड़ जाना। फायदे क्या है, 1 करोड़ की ग्रैंड लीग है, 7, 4, 10 एक दो अलग अलग कैटेगरी हैं, तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो किस तरह की टीम से आपको खेलना है। GST फ्री है, TDS फ्री है, टैक्स ने बड़ा परेशान किया आप सबको, अब वो विजन 11 ने अपने कंधे पर रख लिया है, तो आपको टैक्स का लोड लेना नहीं है। उसके अलावा विनेबिलिटी बहुत अच्छी है, जेन्युइन ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टी स्पोर्ट ऐप है, मतलब आपको कल को कबड्डी खेलनी होगी और इवेंट खेलने होंगे तो सब आप वहीं खेल सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकायदा मैंने डाला हुआ है। खैर, आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए बात करते हैं फैंटेसी टीम की। तो फैंटेसी टीम क्या है, और हाँ, उससे पहले और बता दूं कि इस मैच की अपडेटेड टीम के लिए आपको कहाँ जुड़ना है, जुड़ना है मेरे टेलीग्राम पे, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग और बाकी जो मैचेज अराउंड द वर्ल्ड चल रहे हैं उन सभी की टीम आपको वहीं पे मिलेंगी, क्योंकि हर मैच का वीडियो नहीं आ रहा है। अब चलते हैं फैंटेसी टीम पे। तो क्लाइव मडांडे हमारे विकेट कीपर होने वाले हैं फिर से,
और क्यों होने वाले हैं, क्योंकि वो एक सर्टेन पोजीशन पर खेल रहे हैं, ठीक फॉर्म चल रही है उनकी, 25-30 बना जाते हैं, एक आध कैच पकड़ लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। इंडियन विकेट कीपर्स बहुत पीछे खेलें, हालांकि पॉसिबिलिटी कल ये है कि संजू सैमसन ऊपर खेलें और ऊपर में भी नंबर तीन खेलते दिखाई दे सकते हैं संजू सैमसन कल, ऐसी पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है। फिर आ जाते हैं पीछे, और पीछे आने के बाद क्या कहानी है बैटिंग में। बैटिंग में आप गिल लीजिए, जायसवाल ले रहे, ऋतुराज, तीनों आपको लेने पड़ेंगे, लेना भी चाहिए, टॉप फोर बनाते हैं ये प्लेयर, और इनके साथ अगर संजू सैमसन मिल गए तो कल टॉप फोर शायद ये रहे या ऋतुराज थोड़े पीछे जाते दिखे। फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स में जाएंगे तो अभिषेक शर्मा आपको जरूर चाहिए, जरूर चाहिए वॉशिंगटन सुंदर, और सिकंदर रजा को बिल्कुल ना भूलें, ये आपको चॉइस लेनी पड़ेगी। उनके साथ ब्रायन बेनेट को भी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने भी कोई खास प्रभावित किया नहीं, अगर पहला मैच में छोड़ दूं। हाँ, अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करेगा तो फिर जिम्बाब्वे के बॉलर मैं सेकेंड इनिंग्स के लिए जरूर लूंगा, कौन से होंगे वो टेलीग्राम पे बता दूंगा। बॉलिंग में जाइए तो अभी के लिए आवेश, खलील, बिश्नोई तीनों मैंने डाले हुए हैं, अब अगर इनकी जगह कोई चेंज होगा, चेंज भी मैंने आपको बता दिया, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आपको करना है। मान लो आपका इसमें नहीं खेल रहे क्या बोलते हैं मुकेश कुमार तो खेल सकते हैं क्योंकि पिछले मैच में नहीं खेले थे, आवेश नहीं खेल रहे उनकी जगह मुकेश खेलते हैं या तुषार देश पांडे, तो डाल लीजिए। आवेश खलील दोनों नहीं खेल रहे, मुकेश और तुषार देश पांडे खेल रहे हैं, तो वो डाल लीजिए। कहने का मतलब है लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आपको करना है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस मैच की ग्रैंड लीग टीम भी मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, तो जुड़े रहिएगा मैच के साथ, वीडियो के साथ, चैनल के साथ, प्यार देते रहिएगा। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता।